हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है। मैं हिंदी पीएचडी कर रहा हूँ। मैं जिसको बहुत सपोर्ट करता था और वो क्या हुआ वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बहुत इतना ज़्यादा मैं जब न्यूज़ पढ़ता था पहले भी और आज भी, और इतना ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में, और फिर कैसे मैं उसे सपोर्ट कर सकता हूँ। ब्लाइंडली सपोर्ट बिल्कुल मैं नहीं कभी पसंद करता, और मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई और भी ना करे ब्लाइंडली सपोर्ट। आप ये देखिए कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही और क्या गलत है, आप उसका सपोर्ट कीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जिस दिन लाठी चार्ज हुई उसी दिन एक व्यक्ति से मिला, मैंने कहा लाठी चार्ज वहाँ पर शायद हुआ है, तो किसी ने बोला कहाँ, तो मेरा दोस्त बोला कि ये भी वहाँ पर था, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो मुझे शैलेंद्र शैल की वो पंक्तियां याद आई, मैंने कहा कि जिस राह में बदबू तमाम हो जल्द बदल जाए तो अच्छा है, जो लोग नागों की तरह डस रहे हैं जल्द बदल जाए तो अच्छा है, जज्बाती समंदर में पत्थर फेंक कर और फिर पूछते हो हलचल क्यों। अब मैं पेपर में पढ़ रहा था उनका अप्पा राव, जिनको आप द्रोणाचार्य की संज्ञा दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि द्रोणाचार्य जिनको क्वेश्चन का जवाब सही से देने नहीं आया उसको द्रोणाचार्य की संज्ञा क्या दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। उनको पूछा गया कि 8 तारीख को आपकी जांच थी तो फिर आप क्यों आए, उन्होंने बोला कि जब भी मैं जाऊंगा लोग ऐसे ही कहेंगे, 8 तारीख जांच आप चलती रहेगी। अब बताइए, उन्होंने वो पत्रकार ने बोला कि आपके खिलाफ FIR दर्ज है, फिर भी पुलिस क्यों कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने बोला वो पुलिस का मामला है। अब बताइए, उन्होंने कहा और एक तरफ वो पहले कह रहे हैं कि कोई यूनिवर्सिटी में बाहरी व्यक्ति नहीं घुसेगा, और एक दूसरे तरफ पुलिस वो क्या पुलिस के अंदर का है वो आकर के बाहरी पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, उसको आप क्या कहेंगे। ये आप मैं ये जब पेपर पढ़ा तो मैंने सोचा कि आपको जब जवाब नहीं दे रहा, मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि लोग द्रोणाचार्य ये तो व्यंग्य भी नहीं है, आप द्रोणाचार्य की संज्ञा कैसे दे रहे हैं। जो व्यक्ति क्वेश्चन से सही जवाब दे ना क्वेश्चन का आंसर सही से ना दे पाए तो फिर कैसे होगा। वहां पर जुहेल जो यहाँ पर वो अध्यक्ष है वो जवाब दे रहे थे कि कैसे बिल्कुल मेहता से जवाब दे रहे थे, लेकिन वहीं पर जो VC जवाब दे रहे थे जिसे लग रहा है यूं जवाब देते समय यूं कर दे रहे थे। आप कैसे ये समझ सकते। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये सच में सही है। हर यूनिवर्सिटी में आप देखिए कन्हैया कुमार को आप आने क्यों नहीं दिया, सब बोलते। और उससे पूछा गया कि लाठी चार्ज क्यों हुई, तो उन्होंने बोला आपको मालूम है मुझे मारने आ रहे थे। अरे वो लोग मारने आ रहे थे और आप लाठी चार्ज करवा दिए, आपको हैंड से कोई मारता पता नहीं कोई मारता या नहीं, सब आप लाठी चार्ज करवा दिए, ये कैसा मैटर है। ये जवाब भी नहीं देना चाहिए इस तरह से, मुझे मारने आ रहे थे, आपको क्या मारने आ रहे थे वो भाई, कौन सा उनके हाथ में लाठी थी, आपको गोली मार देते वो लोग, आपसे बात ही करने तो आ रहे थे। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब कोई VC या किसी पद पर अगर कोई बैठता है तो उसको पहले यह ये उस व्यक्ति को यह सोच लेना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है। कहीं भी इंटरव्यू अगर देने जा रहा है तो उसको जरूर यह सोच लेना चाहिए कि मुझे किस तरह से उत्तर देना है और किस तरह से मेरे पास प्रश्न आए। जिस VC को प्रश्नों का सही से उत्तर देने ना आए उसको मैं कदापि VC स्वीकार ही नहीं कर सकता। That's all.